हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो नौशिया एंड सेक्सुअल कंप्लेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेफिसैग्रिया। स्टेफिसैग्रिया का कॉमन नेम है स्टेवे सैक्री। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हैनेमन ने। इसकी फैमिली नेम है रैनुनक्युलेशिया। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्टेफिसैग्रिया मस्ट बी टेकन एट द मोमेंट व्हेन डिजीनेस एंड नौशिया कमेंस बिफोर वोमिटिंग सेट इन एंड इट विल गिव इंस्टेंटेनियस रिलीफ। इट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर रिमूविंग द हैबिट ऑफ मास्टरबेशन इन यंग सब्जेक्ट एंड ऑल्सो फॉर रिमूविंग एबनॉर्मल एपेटाइट इन एडल्ट। नेक्स्ट, इसके क्लिनिकल कंडीशंस की बात करें तो क्लिनिकली हम इसे बैके के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे चैलेजिन के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। कफ, एक्जिमा, एंगर फिट्स ऑफ कोंडाइलोमेटा, रूमेटिज्म, स्किन अफेक्शन, प्रोस्टेट अफेक्शन, स्पर्मेटोरिया, टीथ अफेक्शन, यूरिनरी अफेक्शन जैसे कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसे कॉलीफ्लावर, एक्रेसेंस, आई ट्यूमर ऑन मास्टरबेशन, सेक्शुअल ऑर्गन अफेक्शंस एंड टीथ अफेक्शंस जैसे कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे स्टाई एंड वर्थ के कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेयर ऑफ एक्शन की बात करें, द मेन सीट ऑफ एक्शन ऑफ स्टेफिसैग्रिया आर जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन, ब्रेन, माइंड, GIT ट्रैक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड स्किन। Pathogenesis, it cause irritation and inflammation on the genitourinary organ, specially prostatic portion of the urethra and ejaculatory and seminal duct, producing sexual desire and excitement, leading to abuse of sex, retention of urine, etc. It also cause various skin troubles such as stye, chalaze, eczema, warth, etc. इसके कंस्टिट्यूशन की बात करें तो फिजिकल मेकअप, पेशेंट यूजुअली अ यंग मैन, इज़ वेरी मच वीक एंड डेबिलेटेड विथ गिल्टी एंड अबैश लुक, हु क्रेव टोबैको एंड इज़ हैविंग वार्थ एंड अनहेल्दी स्किन। टेम्परामेंट, नर्वस एंड मेलेंकोलिक टेम्परामेंट, माइजम, सोरा एंड साइकोसिस आर इन द बैकग्राउंड। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, पेशेंट्स आर जनरली चिली पेशेंट्स। डायथेसिस हिमोरेजिक एंड स्क्रोब्यूटिक डायथेसिस के होते हैं। गाइडिंग इंडिकेशंस फॉर द मेंटल इफेक्ट ऑफ ओनानिज्म, सेक्शुअल अब्यूज एंड सेक्शुअल एक्सेस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली एंगर विथ इंडिग्नेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ फॉर मेनी ऑफ द आइलमेंट्स। ग्रेट नर्वस वीकनेस, वीकनेस ऑफ मेमोरी फ्रॉम सेक्शुअल एक्सेस। फॉर बैड इफेक्ट ऑफ इंजरी फ्रॉम शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड पोस्ट सर्जरिकल ऑपरेशंस। स्लीपी ऑल डे, अवेक ऑल नाइट विथ बॉडी एक ऑल ओवर। Stye and chalazae on eyelid, leaving hard nodosities in their place. Another symptom is that toothache during menses. Teeth are very painful to touch of foods and drinks, but not from biting or chewing, aggravated by drawing in cold air into mouth. There is intense craving for tobacco. Eczema with acrid oozing, new vesicles from contact of the exudation. There is intolerable urging to urinate, still the patient has to wait for a long time to pass urine with subsequent burning in urethra. Cough only in daytime and is excited by cleaning the teeth and by tobacco. Next, iske mind complaints ki baat kare, the patient has mental affection are caused by onanism, sexual excess, sexual abuse, pride, envy and anger with indignation. The patient is very sensitive to slightest mental impression and least action. Even harmless word offend. Great indignation about things done by others or by himself, but grieves about consequences. The patient is very apathetic and indifferent, low spirit and has weak memory from sexual abuse. Ill-humored children cried for things which after receiving they petulant push and throw away. The patient was insulted but being too dignified to fight, subdue his wrath and went home sick, trembling and exhausted, very much abashed and apprehensive. Sensation of a round ball in the forehead, sitting firmly there, even after shaking the head. The patient persistently dwell upon sexual subject and constantly think of sexual pleasure. नेक्स्ट, इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करें तो पर्टिकुलरली हम इसे मैरिज्मस के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, GIT के सिम्टम्स में और स्किन के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जनरल मोडालिटीज़, एग्रेवेशन इट इज़ बाय मेंटल अफेक्शन फ्रॉम एंगर,
इंडिग्नेशन, ग्रीफ, मॉडिफिकेशन, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, टोबैको, ओनेनिज्म, सेक्सुअल एक्सेस एंड फ्रॉम लिस्ट टच ऑन अफेक्टेड पार्ट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टेफिसैग्रिया ड्रग पिक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.